अभी हम लोग यूनिट एट के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें यूनिट एट में पहली चीज़ है गैर पुस्तकीय सामग्री, या इसको बोलते हैं ग्रंथेतर सामग्री, नॉन बुक मटेरियल। ये क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचना, सेवाएं, ये सारी चीज़ें संग्रहित होती हैं। तो गैर पुस्तकीय सामग्री का मतलब होता है जो पुस्तक से संबंधित नहीं होती, जिसमें जैसे मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, ग्रामोफोन हो गया, या टेबल्स हो गए, स्लाइड्स हो गए, फोटो चार्ट हो गया, चार्ट हो गया, या वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जो कि गैर पुस्तकीय होती हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं और इसमें कई वृद्धि भी होती जा रही है। जैसे जैसे डिजिटल क्रांति हो रही है, इसमें वृद्धि भी हो रही है। तो इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि चट्टानों पे या पत्थरों पे, गीली मिट्टी पे, चर्म पत्रों पे, यहाँ सब हम लोग अपनी बातों को प्रदर्शित करते थे, सूचनाओं को रखते थे। लेकिन जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार किया 1450 में, तो एक बहुत बड़ी क्रांति है पुस्तकों का। तो बाद में फिर माइक्रोफोटोग्राफी का आविष्कार हुआ, तो ये जब कैमरे वगैरह का आविष्कार हुआ, तो ये सारी चीज़ें ये गैर पुस्तकेतर चीज़ें हैं। उसके बाद फिर टीवी आया, रेडियो आया, तो उससे ऑडियो वगैरह की सारी चीज़ें आई। उसके बाद टेप, फिल्म, स्लाइड, ये सारी चीज़ें आने लगी। तो ये सारी चीज़ें गैर पुस्तकेतर हैं। अगला, इसकी उपयोगिता क्या है गैर पुस्तकीय सामग्री का, कि लाइब्रेरी को ऐसा माना जाता है कि सिर्फ उसमें पुस्तकें ही भरी जाती हैं, इसलिए ये टॉपिक आया कि क्या लाइब्रेरी सिर्फ पुस्तकों का भंडार है। नहीं, तो लाइब्रेरी किस चीज़ का भंडार है, अन्य चीज़ों का भी है, इसलिए ये टॉपिक छिड़ा। तो इसकी उपयोगिता क्या है, तो सबसे पहली है कि भंडारण के माध्यम के रूप में ये कम लागत में और विशाल सूचना को हम लोग भंडारित कर सकते हैं इसमें, और डेटा क्षति भी बहुत कम होती है। सूचना को जल्दी और शुद्धता से फिर से प्राप्त किया जा सकता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है, और स्थावित्व का गुणवत्ता का भी लाभ होता है, और जगह भी बचाती है। और किताबें तो जगह खा लेती हैं, जगह खाऊं होती हैं। सुरक्षा, अभिगम्यता, विश्वसनीयता, मितव्यता, ये आसानी से प्राप्ति भी होती हैं। दुर्लभ किताबें माइक्रोफॉर्म में संग्रहित की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें उपयोगिता हैं। बाधाएं क्या हैं इसके उपयोग में, तो कागज़ उन्मुख समाज में ज़्यादातर लोग माइक्रोफॉर्म या सूचना के स्क्रीन डिस्प्ले से परिचित नहीं होते हैं, तो उसके बदलाव को भी स्वीकार नहीं करते हैं। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि फ़ोन पे पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फ़ोन पे मूवी 20 देख लेंगे, दिन भर मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे, गेम खेल सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडी देन दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो ये सारी चीज़ें एक्सक्यूजेज हैं, तो जल्दी वो स्वीकार नहीं करते हैं, सबसे बड़ा बाधा है। दूसरी चीज़, इसके संचालन में भी कठिनाई होती है। ये तो मैंने फ़ोन की बात की थी, वो कैटलॉगिंग का है, इंटरनेट का, ये सारी चीज़ें कैसे उसको किया जाए। अभी कोई रील वाली कैसेट मिल जाए तो हमें उसके लिए रील वाला कोई प्लेयर होना चाहिए, किस तरह से उसमें प्ले किया जाए, तो आँखों पे जोर पड़ता है। और इसमें उच्च लागत होती है, कंप्यूटर का दाम जानती हैं कितना ज़्यादा, लैपटॉप वगैरह, अच्छा लैपटॉप लाइब्रेरी के लेना हो तो कम से कम 30-40 हज़ार रुपये से ज़्यादा ही, और ऐसे 8-10 होने चाहिए, बड़ी लाइब्रेरी है तो 50-60 सभी लोगों के लिए। तो NBM का प्रयोग घर पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही महंगी चीज़ होती है, और इसका विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है, और सूचना की पुनर्प्राप्ति करने में भी बाधाएं होती हैं। इसमें NBM, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, NBM के विभिन्न प्रकारों को व्यक्त करना और इसमें इसके प्रयोग में आने वाली समस्याओं को बताना है। तो पहला प्रकार है कार्टोग्राफिक सामग्रियां, जैसे एरियल चार्ट हो गए, पत्ती हो गया, या दूर संवेदी सूचकांक हो गए, एटलस हो गया, ग्लोब हो गया, चार्ट, मानचित्र, या ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। मोशन फिल्म या वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गए, कैसेट, वीडियो कैसेट, डिस्क, रील, ये सारी चीज़ें। ग्राफिक सामग्रियों में कला, मुद्रण, चार्ट, फिल्म स्ट्रिप, किट, फोटोग्राफी, पिक्चर, पोस्ट, स्लाइड, ये सारी चीज़ें हो गई। हस्तलिपियाँ में हो गया
वस्तुएं हो गई, बक्सा हो गया। संगीत के रूप में स्वर, गाने, ये सारी चीज़, ध्वनि रिकॉर्डिंग हो गए, कंप्यूटर फाइलें हो गई, 3D पेंटिंग वगैरह हो गई, उसको त्रिविमीय बोलते हैं। 3D मतलब त्रिविमीय, माइक्रोफोम, ये सारी चीज़ें होती हैं। हार्नर ने इसके बाधाओं को बताया है। सबसे पहले मशीनों और उपकरणों की आवश्यकता होती है इसके प्रयोग के लिए, विशिष्ट ज्ञान की भी ज़रूरत होती है। अगला, ये बहुत ही दुर्लभ होता है, मूल्यवान होता है और बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो सकता है अगर ठीक से यूज़ ना किया जाए। पांडुलिपियाँ बहुत ही दुर्लभ सामग्री होती हैं, स्लाइड्स और ये सारी चीज़ें बहुत ही भंजनशील, मतलब बहुत ही जल्दी नष्ट होने वाली, और इसके लिए विशेष शब्दकोशों की भी ज़रूरत होती है। इसका कोई समान मुखपृष्ठ नहीं होता, फाइलों का क्या, फाइलें नाम से ही सेव की जाती हैं, तो किताबें तो शीर्षक से होती हैं लेकिन फाइलों का क्या भरोसा। कैसेट रखा हुआ तो कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज़ का कैसेट है, अगर उस पर कुछ लिखा ना हो और कहीं पेपर से निकल गया तो सारा गया काम से। इसकी पहचान है तो ग्रंथ सूचियों की आवश्यकता होती है, और गैर पुस्तकीय सामग्री का वर्गीकरण सूचीकरण नहीं किया जाता है, और सामग्रियों का मिश्रण होना संभव है, सारा कैसेट एक दूसरे में मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के कारण सामान्य सामग्री की अपेक्षा इस प्रकार की सामग्री को विदेशी भाषाओं के भी ज्ञान जरूरी है। मोबाइल चलाना आसान काम नहीं है, अंग्रेजी जानना ज़रूरी है। अगला, मानचित्र संबंधित सामग्रियों के बारे में चर्चा करना है कि ये मानचित्र संबंधित सामग्री क्या है, और ACR2 के नियम कौन से इसमें लागू होते हैं, तो इसको हम लोगों को देखना है। तो मानचित्र क्या होता है कि किसी भी पृथ्वी के किसी भी भाग का, धरातलीय भाग का, एक निश्चित पैमाने के साथ किसी भी कागज़ पे, कपड़े पे या किसी फ्लोर पे निश्चित माप के अनुसार उस चीज़ का स्केच बना देना, उस चीज़ को ड्रॉ कर देना धरातलीय भाग को, उसी को बोलते हैं मानचित्र। तो उसमें नियम बताए गए हैं, एक चार्ट, एटलस, ग्लोब, मानचित्र, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें नियम बताए गए हैं कि मानचित्रकार जो होता है वो इसके लेखक होते हैं, और ये मानचित्र के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो मानचित्र जो बनेगा इसके नाम से बनेगा, या अगर लेखक का नाम नहीं है तो संस्था का नाम होना चाहिए, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एटलस हो गया, स्कूल एटलस हो गया, ये सारी चीज़ें। ये कई अनुच्छेदों में होता है, इसके पैमाने को निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, यह नियमानुसार होना चाहिए, क्षेत्र जिसका दिया गया उसका नाम होना चाहिए, और इसमें क्या होता है कि एक स्केल होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/360000000, इसको स्केल बोलते हैं। जो लोग जियोग्राफी पढ़े होंगे कभी, वो स्केल वगैरह के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही शानदार चीज़ होता है स्केल। इसी के आधार पे सारे मानचित्र बनाए जाते हैं, जो हमारा वो मैप वगैरह होता है इसी के आधार पे बनाया जाता है। मज़ेदार सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। एक से अधिक मानचित्र या अधिक पृष्ठों पर, पृष्ठों की संख्या दी होनी चाहिए, रंग बिरंगे चीज़ें होनी चाहिए और परिमाप होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। तो मानचित्र, और मानचित्र का ये प्रारूप भी है, ये दिया गया, आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे वेस्ट बंगाल का है मानचित्र, तो उसका ये स्केल दे दिया, तो इसमें बता दिया डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, तो टूरिज्म मैप ऑफ वेस्ट बंगाल, मैप एडिटेड बाई एक घोष, स्केल इतना, और कोलकाता गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, ये सारी चीज़ें लिख करके इसमें भर देना है। ऐसे ही ये ध्वनि अभिलेख का भी है, उसके नियमों को भी हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि इसमें रचनाकार का नाम होना चाहिए, शीर्षक का नाम होना चाहिए, कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किए गए, ये सारी चीज़ें, उसके नियम कौन कौन से होने चाहिए, ये सब आप लोग कर लेना। और इसमें फेयरवेल माई है, और रिकॉर्डिंग किस तरह से हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरह से चार्ट बना के कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक बचता है RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। तो एक डिजिटल संसार के लिए एक नए संसाधन विवरण और अभिगम डिज़ाइन के रूप में इसको विकसित किया गया, और इसमें ये बहुत ही लचीला होता है, और इसमें एनालॉग और डिजिटल की सुविधा होती है। डेटा एक जो नई उभरती डेटा बेस संरचनाओं के लिए आसानी से अनुकूलन है, और इसमें मौजूदा रिकॉर्ड इसमें शामिल होते हैं। संसाधन विवरण और अधिगम, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन और एक्सेस, ये चीज़ है।
और इसका जो उद्देश्य है वो व्यापक है, स्थिर है, स्पष्ट है, तर्कसंगत, अनुकूल, उपयोग में सरल, ये सारी चीज़ें हैं। और इसकी विशेषताएं हैं कि वेब वातावरण में RDA एक ऑनलाइन उत्पाद के रूप में डिज़ाइन किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं RDA के बारे में। इसका जो उद्देश्य है संसाधन विवरण के लिए है, एक नया मानक डिज़ाइन तैयार करने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हमारा 2-3 का ब्लॉक 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।